नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा स्काई सेटअप बॉक्स का वीडियो सिग्नल DVR में इनपुट करके दिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी कस्टमर के नीड्स के मुताबिक एक ही स्क्रीन में TV और CCTV कैमरा दोनों देखने को चाहते हैं। तो ये DVR एडाप्टर से कनेक्टेड है, ऑन है DVR, और यहाँ पे ऊपर में LED स्क्रीन में देखिए शो कर रहा है। कैमरा यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो ये कनेक्शन मैंने किस तरीके से किया है चलिए देखते हैं। देखिए ये केबल मैंने यूज़ किया है, ये कस्टम मेड है, ये मैंने बनाया है। और इस केबल के एक एंड में BNC कनेक्टर है और दूसरे एंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे RCA कनेक्टर है। तो ज़्यादातर जहाँ पे वीडियो सिग्नल आउट होता है वहीं पे RCA सॉकेट लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स के पीछे 3 RCA आउटलेट है, RCA सॉकेट है। यहाँ पे एक सॉकेट वीडियो आउटपुट के लिए और दोनों सॉकेट है ऑडियो लेफ्ट और राइट आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे देखिए केबल मैंने खोल लिया है और इस केबल के एक एंड में ये RCA जैक है और दूसरे एंड में एक BNC कनेक्टर है। तो ये केबल देख सकते हैं आप कि खाली एक वायर जोड़ दिया है बीच में से। ये केबल आप लोग जितना लेंथ का चाहे बना सकते हैं बड़ा। और ये BNC कनेक्टर और दूसरे एंड में है एक RCA जैक, और इसको अभी लगाएंगे टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स के पीछे जो वीडियो आउटपुट का सॉकेट है यहाँ पे RCA सॉकेट। यहाँ पे देख सकते हैं 3 सॉकेट है, एक वीडियो और दोनों है लेफ्ट और राइट ऑडियो आउटपुट के लिए। तो ऑडियो आउटपुट आप लोग कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे DVR के पीछे से और या तो सेटअप बॉक्स के पीछे से। तो इस तरह का कनेक्शन पहले के ज़माने में जब DVR पुराना DVR था उसी में ये वीडियो आउटपुट का सॉकेट आता था। अभी नया DVR में ये सॉकेट नहीं दे रहा है कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल का। तो अगर आपके पास पुराना DVR हो तो उसका वीडियो आउटपुट किसी भी दूसरे DVR के वीडियो इनपुट से जोड़ सकते थे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। कन्वर्टर के थ्रू भी ये पॉसिबल नहीं है। देखिए वीडियो आ गया है, वीडियो चल रहा है, यहाँ पे टाटा स्काई का जो चैनल है यहाँ पे चल रहा है और एक नंबर पोर्ट पे मैंने लगाया है तो एक नंबर पोर्ट से ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एक नंबर चैनल मतलब कैमरा का जो चैनल है उसमें चल रहा था। अभी देखिए 2 नंबर पोर्ट में मैंने लगाया और 2 नंबर कैमरा में ये TV चल रहा है। इसी तरीके से किसी भी पोर्ट में लगाइए तो ये TV चलेगा वहाँ पे और बाकी सब में कैमरा चलेगा। इसी तरीके से कैमरा और TV एक साथ चलाया जा सकता है। तो देखिए कन्वर्टर जो है HDMI या VGA कुछ भी कन्वर्टर के थ्रू अगर ये प्रोसेस आप लोग करने जाएंगे तो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे देखिए ये कन्वर्टर को यूज़ किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।